अस्सलाम वालेकुम क्लास, इंग्लिश की पंजाब यूनिवर्सिटी कोर्स सेकंड सेमेस्टर का ENG 112 फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन हम उसमें पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 17 आज हमने देखना है। ये बेसिकली चार्ल्स डिकेंस के नावल ब्लीक हाउस में से एक एक्सर्प्ट है, और इस एक्सर्प्ट के अंदर एक सेटिंग को जो है वो पेश कर रहा है, बयान कर रहा है, दिखा रहा है कि किस तरह सेटिंग जो है उस पूरे सीन की वो क्या है। इंचांसरी, जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, इंचांसरी चांसरी वो प्लेस होती है जहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, खासतौर ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पे जो यूके का जो लॉर्ड चांसलर है ना ऑफ कोर्ट्स वो बैठता है। ठीक है, लॉर्ड चांसलर से हमारे यहाँ मिनिस्टर होता है, इस तरह एक इम्पॉर्टेंट सीट होती है। तो चांसरी बेसिकली जहाँ पे उनका एक इम्पॉर्टेंट जज बैठता है, ठीक है, उसे चांसरी कहते हैं। माइकल मैस टर्म लेटली ओवर एंड द लॉर्ड चांसलर सिटिंग इन लिंकन्स हॉल इन हॉल। माइकल मैस टर्म पूरी होगी, यानी क्रिसमस की जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एंड द लॉर्ड चांसलर सिटिंग इन लिंकन्स इन हॉल, और जो लॉर्ड चांसलर है वो लिंकन्स इन हॉल के अंदर बैठे हुए। लिंकन्स इन एक इंस्टीट्यूट है ख़ासतौर पर लॉयर्स के लिए, उसके हॉल में बैठे हुए, बहुत मशहूर है। इम्प्लैकेबल नवंबर वेदर, एज मच मर्ड इन द स्ट्रीट एज इफ द वाटर्स हैड बट न्यूली रिटायर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ एंड इट वुड नॉट बी वंडरफुल टू मीट अ मेगालोसॉरस 40 feet लॉन्ग और सो वैडलिंग लाइक एन एलिफेंटाइन लिजर्ड अप हॉलबोर्न हिल। कहता है बड़ा ही अजीब सा मौसम था, गलियों में इतना कीचड़ था कि ये बात कोई हैरान को नहीं होगी कि अगर हम कहें कि दुनिया अभी अभी जो है वजूद में आई है, जिस तरह के शुरू के दौर में आई थी, तो यहाँ पे डायनासोर्स फेरे थे, उसमें से एक डायनासोर मेगालोसॉरस है, तो वही मड में कहीं लिजर्ड टाइप, सरपेंटाइन टाइप, यानी सरपेंट सांप की तरह की। कहता है अगर वो अभी डायनासोर भी इधर गुजरना शुरू हो जाएगा तो कोई हैरान की नहीं होगी, क्योंकि जो मंजर था गलियों का वैसे ही था जैसे कि करोड़ों साल पहले था जब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, यानी इतनी बुरी हालत थी सड़क की। स्मोक लोरिंग डाउन फ्रॉम चिमनी पॉट्स मेकिंग अ सॉफ्ट ब्लैक ड्रिजल विद फ्लेक्स ऑफ सूट इन इट एज बिग एज फुल ग्रोन स्नो फ्लेक्स गॉन इन टू मॉर्निंग वन माइट इमेजिन फॉर द डेथ ऑफ द सन। हाँ जी, वो कहते हैं कि जो स्मोक थी वो आहिस्ता आहिस्ता चिमनीज के पॉट्स के, यानी चिमनीज के अंदर से नीचे नीचे लोअर डाउन कर रही थी, नीचे आ रही थी, ठीक है, और हल्की हल्की ब्लैक ड्रिजल फील होती। ड्रिजल कहते हैं बूंदाबांदी को, तो सॉफ्ट ब्लैक ड्रिजल कि वो जो बारिश का मौसम और फिर धुआं निकलना उसका, जो उसमें जो राख थी, तो काली काली बारिश की कतरों की तरह नीचे आ रहे थे विद फ्लेक्स ऑफ सूट इन इट, उनके अंदर राख के पीस शामिल थे, सूट राख। एज फुल ग्रोन स्नो फ्लेक्स गॉन इन टू मॉर्निंग वन माइट इमेजिन, ऐसे लग रहा था जैसे कि ये जो कतरे हैं बारिश के, ये किसी मातम या अफसोस के अंदर इस तरह के हैं। स्प्लैश्ड ओके फॉर द डेथ ऑफ द सन, जैसे वो मातम मना रहे हैं सूरज की मौत का। देखिए किस तरह का खूबसूरत मंजर उसने पेश किया कि सूरज जो है वो गायब है, बारिश बहुत अरसे से हो रही है और उस मौसम से बड़ा नुकसान हो रहा है, इस वजह से वो कह रहा है उसको कि जैसे सूरज की मौत हुई, उसने काफ़ी से सूरज को देखा नहीं। ओके, डॉग्स अनडिस्टिंग्विशेबल इन मायर, हॉर्सेस स्केर्सली बेटर, स्प्लैश टू देयर वेरी ब्लिंकर्स, फुट पैसेंजर्स जॉस्टलिंग वन इन अदर्स अम्ब्रेलाज इन अ जनरल इन्फेक्शन ऑफ इल टेम्पर एंड लूजिंग देयर फुट होल्ड एट स्ट्रीट कॉर्नर्स वे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर फुट पैसेंजर्स हैव बीन स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग सिंस द डे ब्रोक इफ द डे एवर ब्रोक adding new deposits to the crust upon crust of mud, sticking at those points tenaciously to the pavement and accumulating at compound interest. कहते हैं डॉग्स जो है अनडिस्टिंग्विशेबल इन मायर, वो सब गंद में कुत्तों को पहचाना नहीं जा पा रहा था कि वो कीचड़ में लथपथ थे। हॉर्सेस स्केर्सली बेटर, और घोड़े थे उसे कुछ बेहतर थे, ठीक है, लेकिन उनकी पहचान मुश्किल हो रही थी। स्प्लैश टू देयर वेरी ब्लिंकर्स, ब्लिंकर्स होता है ये साइड पे घोड़े के, यहाँ पे दो लगाए हुए थे पैच, कहते यहाँ ब्लिंकर्स तक जो है उनके कई कीचड़ के स्प्लैशेस आए हुए थे, ठीक है। फुट पैसेंजर्स और जो पैदल चलने वाले थे, जॉस्टिंग वन अनदर्स अम्ब्रेलास, एक दूसरे की
अम्ब्रेलाज जो है उनसे टकरा रही थी, क्योंकि हैरी ने अम्ब्रेला खोली भी और आपस में चलते हैं, उनकी अम्ब्रेलाज आपस में टकरा रही हैं, जॉसल कर रही हैं, ठीक है। जॉसल कहते हैं तलवारबाजी को। इन अ जनरल इन्फेक्शन ऑफ इल टेम्पर, और ओवरऑल सब लग रहा था कि बड़ा इल टेम्पर्ड फील करें। एंड लूजिंग देयर फुट होल्ड एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, और हर कोई गली के कोने पे आके अपने पैर जो है उनको खो देता, यानी कि उसके पैर स्लिप हो जाते थे। वेयर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर फुट पैसेंजर्स हैव बीन स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग सिंस द डे ब्रोक, सुबह से वहाँ पे हज़ारों लोग जो है स्लिप हो चुके थे, ठीक है। और कहता अगर तो दिन सुबह से आया भी है, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि सुबह सूरज निकला ही नहीं है, बादल ही बादल है। और कहता है कि कीचड़ की तह दर तह ऊपर जो है बनती जा रही है, और अब वो मौका आ गया है कि अब उस पेवमेंट के ऊपर कीचड़ कितनी तह जम गई कि पेवमेंट नज़र ही नहीं आ रही। ओके, ये पहला पैराग्राफ था। इसके अंदर जो है उसने सारी बात की है, चांसरी के बाहर का मंजर बयान किया, ठीक है, कि बाहर मंजर कैसा और मौसम कैसा था, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, फॉग एवरीवेयर, फॉग ऑफ द रिवर, हर जगह धुंध थी, धुंध दरिया के ऊपर भी थी, रिवर के ऊपर भी थी। वेयर इट फ्लोज अमंग ग्रीन एड्स एंड मेडोज, जहाँ पे वो हरे हरे दरख्तों के और मैदानों के अंदर सरायत कर गई। फॉग डाउन द रिवर, फॉग रिवर से बिल्कुल एंड तक, डाउन द रिवर से मतलब रिवर के एंड तक भी है। वेयर इट रोल्स डिफाइल्ड अमंग द टीयर्स ऑफ शिपिंग एंड द वाटर साइड पोल्यूशन ऑफ ग्रेट एंड डर्टी सिटी, जहाँ पे जाके वो रोल हो रही है फॉग, डिफाइल्ड यानी मिक्स हो गई है, उसके अंदर गंदगी फैल गई, यानी वो फॉग थी वो अब साफ़ सुथरी लग रही थी, वो मैली लग रही थी, क्योंकि एट द एंड वहाँ पे सारे कार्गोज उतर रहे, सारी शिप्स आ रही हैं, उनके अंदर सारा कार्गो आ रहा है, पॉल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा है। तो कहता है वहाँ पे जो है वो मौजूद है। फॉग ऑन द एसेक्स मार्शेस, एसेक्स इलाका, एसेक्स के जो मार्शेस यानी मैदानी इलाके थे, ठीक है, मार्शेस वो होते हैं जो ऐसे इलाके मैदानी जिनके अंदर नमी ज़्यादा हो, ठीक है, कीचड़ वगैरह हो, दरख्त भी उस तरह के हो, क्यों पौधे भी उस तरह के हो, ठीक है, सेम ज़्यादा इलाका जो होता है। कहता है ऐसे से मार्शेस के ऊपर भी फॉग थी, धुंध थी, कैंटिश हाइट्स के ऊपर भी धुंध थी, यानी जो पहाड़ी इलाका कैंटिश का वहाँ पर भी धुंध थी, यानी ऊपर नीचे हर जगह धुंध ही धुंध थी। फॉग क्रीपिंग इनटू द कबूजेस ऑफ कोलियर ब्रिग्स, फॉग लाइंग आउट ऑन द यार्ड्स एंड होवरिंग इन द रिगिंग ऑफ ग्रेट शिप्स, फॉग ड्रूपिंग ऑन द गन वॉल्स ऑफ बार्जेस एंड स्मॉल बोट्स, ठीक है। वो बात ये करता है कि बेसिकली फॉग जब वो कह रहा है हर जगह पहुंच चुकी, कबूजेस कोनों में भी पहुंच चुकी है, ऑफ कोलियर ब्रिग्स यानी जो फौज की कंटेनर्स कह लें, या जो बेसिकली जो फौज के जहां पे सारे बैरक्स होती हैं उधर भी पहुंच गई हैं, ठीक है। ऑन द यार्ड्स, मैदानों में भी बाहर, लोगों के घरों के बाहर भी है, ठीक है, बड़ी बड़ी शिप्स की रिग्स के अंदर भी हैं, ठीक है, और गन वॉल्स ऑफ बार्जेस, और जो बार्जेस होती हैं वो भी शिप्स की एक फॉर्म होती है, गन वॉल्स उनका एक ख़ास हिस्सा होता है शिप का, उधर भी पहुंच चुकी है फॉग, और छोटी छोटी कश्तियों में भी पहुंच चुकी है। फॉग इन द आइज एंड थ्रोट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीनविच पेंशनर्स वीजिंग बाय द फायर साइड्स ऑफ देयर वार्ड्स, और धुंध उनकी आंखों में भी थी और उनके गलों में भी थी, किनके, एंशिएंट बहुत बूढ़े ग्रीनविच पेंशनर्स। ग्रीनविच कहते हैं एक इलाका है इंग्लैंड के अंदर जहाँ से आपका वर्ल्ड का लेटिट्यूड, जो लेटिट्यूड होते हैं ना, ये अगर आप ग्लोब देखो तो ग्लोब के ऊपर लाइंस लगी हुई हैं इस तरह और इस तरह, जो ये लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल इनको कहते हैं लेटिट्यूड्स, और जो ये वाली हैं वर्टिकल इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स का जो जीरो, जो पहला लॉन्गिट्यूड शुरू होता है वो ग्रीनविच इंग्लैंड से शुरू होता है, उसको हम जीरो लॉन्गिट्यूड मांगते हैं, और फिर वहाँ से इक्वली 1, 2, 3, 4 इस तरह के जो है टोटल उसके 24 जितने आपके आर्स हैं उसके हिसाब से एक लॉन्गिट्यूड होता है कि एक आर जो है गुजर जाएगा रेवोल्यूशन का। खैर, ग्रीनविच वो इलाका है जहाँ से वो टाइम शुरू होता है, इसको हम GMT का भी आपने सुना हुआ टाइम के लिखा होता है, उसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो कह रहा है वहाँ के जो बूढ़े बूढ़े पेंशनर्स सरकारी अफसरान हैं जो आपके किनारे बैठे हुए हैं वीजिंग, गहरे सांस ले रहे हैं आवाज़ वाले, बाय द फायर साइड्स ऑफ द वार्ड्स, ठीक है, अपने जो वार्ड है उनके हॉस्पिटल के वार्ड्स वगैरह हैं
उसके किनारे बैठे हुए हैं और उनकी भी आंखों में जा रहा है धुंध, इतनी धुंध थी। डाउन फॉग इन द स्टेम एंड द बोल ऑफ द आफ्टरनून पाइप ऑफ द रैथफुल स्किपर। कहता जो रैथफुल स्किपर है, स्किपर कहते जवान को। रैथफुल स्किपर से क्या मराता है, गुस्से वाला, क्योंकि जवानी में आपको पता है गुस्सा ज़्यादा होता है, वो ये बात शो करना चाह रहा है। जो रैथफुल स्किपर है उसका जो पाइप था स्मोकिंग पाइप, ठीक है, उसके अंदर भी जो आफ्टरनून में पीते हैं उसके अंदर भी उसके स्टेम और बाउल, जो पाइप का आगे वाला हिस्सा होता है गोल्स उसको कहते हैं बाउल, और जो पीछे उसके निकल होता है लॉन्ग सा हिस्सा उसको कहते हैं स्टेम, उनके अंदर भी फॉग कहता है घुस गई थी, इतनी ज़्यादा फॉग थी। डाउन इन द क्लोज कैबिन फॉग क्रूएली पिंचिंग द टूज एंड फिंगर्स ऑफ द शिवरिंग लिटिल प्रेंटिस बॉय ऑन डेक। कहता है कि नीचे जो कैबिन है शिप का क्लोज हुआ हुआ, उसके अंदर जो कैबिन बॉय है अप्रेंटिस जो उधर आया है सीखने काम, कैबिन होता है जो एक असिस्टेंट होता है शिप के ऊपर कैप्टन का, कहता उसके भी ठंडे पैरों को वो चुभ रही है, काट रही है, इतनी ज़्यादा फॉग थी। चांस पीपल ऑन द ब्रिजेस पीपिंग ओवर द पैरापेट्स इन टू अ नेदर स्काई ऑफ फॉग। चांस पीपल बहुत कम लोग ऑन द ब्रिजेस, वो ब्रिजेस के ऊपर हैं, पुलों के ऊपर हैं, पीपिंग ओवर द पैरापेट्स, पैरापेट्स कहते हैं चबूतरे को, ठीक है, उन ब्रिज के चबूतरों से बाहर देख रहे हैं इन टू अ नेदर स्काई, एक नेवर एंडिंग ख़त्म होने वाला ना ख़त्म होने वाले आसमान की तरफ वो देख रहे थे। किसका आसमान, फॉग का बना हुआ, धुंध का बना हुआ। विद फॉग ऑल अराउंड देम एज इफ दे वर अप इन अ बैलून एंड हैंगिंग इन टू द मिस्टी क्लाउड्स। उनके इर्द गिर्द धुंध ही धुंध थी और वो ऐसे था कि जैसे वो खुद जो है किसी गुब्बारे के अंदर तैर रहे हैं, ठीक है, एंड हैंगिंग इन टू द मिस्टी क्लाउड्स, और उस धुंधले बादल के अंदर हैंग कर रहे हैं, लटके रहे हैं, इतना यानी उनके इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये सेकंड पैराग्राफ है। यहाँ पर उसने जिक्र किया है, डिस्क्रिप्शन दिया फॉग की और कोल्डनेस की, ठीक है, और पूरी डिस्क्रिप्शन ही फॉग की है और बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन उसने पेश किया, और इसलिए डिकेंस जो है इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राइटर्स, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राइटर्स। इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट नॉवल दैट आई एवर रेड वाज ऑफ चार्ल्स डिकेंस। इसकी इसी डिस्क्रिप्टिव पावर्स की वजह से ही इज़ ऑल्सो नोन टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश राइटिंग, £3 पर वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। खैर डिटैक हो रहे थे हम, पैराग्राफ थ्री पे आते हैं। गैस लूमिंग थ्रू द फॉग इन डाइवर्स प्लेसेस इन द स्ट्रीट्स, और गैस जो है वो लूम कर रही है, ठीक है, थ्रू द फॉग इन डाइवर्स प्लेस इन द स्ट्रीट मच एज द सन मे फ्रॉम द स्पॉन्जी फील्ड्स बी सीन टू लूम बाय हस्बैंडमैन एंड प्लाउ बॉय। और कहते हैं गैस थी जो थी ना वो मूव कर रही थी उस फॉग और उस धुंध के दरमियान से उस मुकाम के तक गलियों में, ऐसे ही जैसे कि सूरज चमकता है स्पंजी फील्ड्स के अंदर। स्पंजी फील्ड से क्या मुराद है, जो गीली ज़मीनें होती हैं, गीले खेत होते हैं, नमी वाले खेत होते हैं, उन पर अब सन आबोताब से चमकता है, ठीक है, और उसके दरमियान जब हस्बैंड मैन और प्लाउ बॉय करते हैं, हस्बैंड मैन वो जो कैटल को देखने वाले लोग होते हैं, जो कैटल को देखने वाले मर्द होते हैं, ऐसे बंदे जो कैटल को समझते हैं, गाय भैंस वगैरह का कारोबार करते हैं, उनको हस्बैंड मैन कहते हैं या उनकी देखभाल करते हैं, और प्लाउ बॉय किसे कहते हैं, हल चलाने वाला लड़का, यानी खेतों की बात कर। मोस्ट ऑफ द शॉप्स लाइटेड 2 hours बिफोर द टाइम एज अ गैस सीम्स टू नो फॉर इट हैज़ अ हैगर्ड एंड अनविलिंग लुक। और ज़्यादातर दुकानों की बत्ती जो है, लाइट जो है, वो 2 घंटे पहले चल गई थी, उनके अंधेरा हो गया था, लाया वो सूरज था नहीं, धुंध भी ज़्यादा थी। और कहता है गैस जो है उससे जैसे मालूम था गैस को, ठीक है, फॉर इट हैज़ अ हैगर्ड एंड अनविलिंग लुक, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि उस दौर में बिजली तो थी नहीं, ऐसा बिजली बड़ी शाजो नाजर सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पर थी, मुझे कहना गैस लूमिंग थ्रू द फॉग, उससे मुराद उसकी क्या है, जो मुख्तलिफ लोग अपने अपने लैंप्स जला चुके थे, टर्पेंटाइन, कैरोसिन ऑयल, ठीक है, और दूसरी गैसेस मटेरियल या फिर फ्यूल से उनसे जो गैसेस रिलीज हो रही थी वो उनकी बात करें, उनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब आप एक मंजर देखो किस तरह बनता जा रहा है, पहले पैराग्राफ में बात करता है कि कीचड़ है और ऊपर से जो है राख की बारिश हो रही है, गंदगी हो रही है, फिर सेकेंड पैराग्राफ में धुंध हर जगह, बहुत ठंड है और धुंध भी मैली मैली है और पैरों चुभ रही है, नाक में और आँख में चुभ रही है, और तीसरे में एक गैस जो चलाई गई है उसकी एक डिफरेंट स्मेल,
यानी कि एक इंतहाई बुरा माहौल क्रिएट हुआ है। पैराग्राफ 4, द रॉ आफ्टरनून इज रॉएस्ट एंड द डेंस फॉग इज डेंसेस्ट एंड द मडी स्ट्रीट्स आर मडियस्ट नियर दैट लेडन हेडेड ओल्ड ऑब्स्ट्रक्शन अप्रोप्रिएट ऑर्नमेंट फॉर थ्रेशोल्ड ऑफ अ लेडन हेडेड ओल्ड कॉर्पोरेशन टेम्पल बार। वो बात यह करता है कि जो कच्ची दोपहर से यानी दोपहर का स्टार्ट वो सबसे कच्ची थी और जो फॉग जितनी डेंस होती थी उससे भी ज़्यादा डेंस थी उस वक्त, और जो मडी स्ट्रीट्स थी वो उस वक्त सबसे ज़्यादा मडी थी यानी ज़्यादा मडी हो नहीं सकती। नियर द किस यानी कह रहा है कि जितनी मर्जी फॉग हो, जितनी मर्जी धूप कच्ची हो और जितने मर्जी कीचड़ हो पूरे शहर में, वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो किधर थी, एक ख़ास बिल्डिंग के सामने थी जो कि एक पुराना एक इदारा है, ठीक है, जिसका नाम है टेंपल बार, जहाँ पे सारे वकील वगैरह और जज वगैरह बैठते हैं, उनकी बात कर। एंड और ये टेंपल बार बड़ा मशहूर है, लिंकन्स इन के अंदर है, ठीक है, वहाँ पे जो है लोग बड़े बड़े वकला पैदा हुए। एंड हार्ड बाय टेंपल बार इन लिंकन्स इन हॉल एट द वेरी हार्ट ऑफ द फॉग सिट्स द लॉर्ड हाई चांसलर इन हिज हाई कोर्ट ऑफ चांसरी। और उस सब हॉल के अंदर, लिंकन्स इन बार के अंदर दरमियान में बैठे हुए लॉर्ड हाई चांसलर, ठीक है, इन हिज हाई कोर्ट ऑफ चांसरी, अपने हाई कोर्ट के अंदर वो बैठे हुए हैं। नेवर कैन देयर बी देयर कम फॉग, नेवर कैन देयर कम मड एंड मायर टू डीप टू एसॉर्ट विद अ ग्रोपिंग एंड फ्लाउंडरिंग कंडीशन विच दिस हाई कोर्ट ऑफ चांसरी मोस्ट पेस्टिलेंस ऑफ होरी सिनर्स होल्ड्स दिस डे इन द साइट ऑफ हेवन एंड अर्थ। क्या जितना मर्जी कीचड़ हो, जितना मर्जी गंद हो, जितनी मर्जी डेप्थ हो फॉग की, इस सब ये फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती उस गंदगी की जो कि इस चांसरी इस कोर्ट के अंदर मौजूद थी, ख़ास तौर पर इस दिन की जिस दिन ये एक फैसला होना था, कोई ख़ास इस आसमान और ज़मीन में इससे बुरा दिन नहीं आया। ये मंजर पेश किए, सेटिंग दी जा रही है, सीन अभी होना है, ठीक है, कैरेक्टर के साथ अभी एक्शन होना है, उससे पहले क्या क्या हो रहा है ये उससे मुतलिक बात हो रही है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोएटिक इफेक्ट कि इसमें शायराना इफेक्ट क्या था। द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी एक्टिविटी 17.1 हम कर रहे हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ डिकन्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज द यूज ऑफ पोएटिक लैंग्वेज एंड टेक्निक्स। आई एग्री, बड़ी पोएटिक लैंग्वेज होती डिकन्स की। फाइंड एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन द एक्सट्रैक्ट। आपने इन सब चीज़ों की एग्जाम्पल ढूंढनी है टेक्स्ट के अंदर। नॉन सेंटेंसेस यानी जिनके अंदर वर्ब नहीं है, ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब आया ही ना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद सिमिली, सिमिली क्या होता है, जिसमें आप लाइक का इस्तेमाल करके एज ही इज एज डार्क एज नाइट, ठीक है, ही इज ब्रेव लाइक द लायन, लाइक और एज का इस्तेमाल सिमिली होता है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी दे दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज ये मोबाइल, ये लिविंग थिंग नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। मैं अगर कहता हूँ माय मोबाइल वॉज स्लीपिंग, मेरा मोबाइल सो रहा था। अब मोबाइल एक नॉन लिविंग थिंग है और स्लीपिंग जो एक लिविंग थिंग की एट्रीब्यूट है, एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की एट्रीब्यूट दे देना, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। मौत कमरे में दौड़ रही थी, ठीक है, उसका रेपिटेशन, रेपिटेशन से क्या मुराद है, एक ही फ्रेज का, एक ही वर्ड का बार बार रिपीट रेपिटेशन करना, जिसने किया मड मड फॉग फॉग, सेकंड पैराग्राफ में फॉग का जो बार बार रेपिटेशन की गई है वो उसकी एग्जांपल है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल जो है आप देखोगे किस किस सूरत में आएगी, फॉग की सूरत में भी आपको नज़र आएगी, ठीक है, और ख़ासतौर पर गैस की सूरत में आएगी पैराग्राफ 3 के अंदर, ठीक है। जब वो कहता है गैस को पता है, वो क्या पता है वो आप देख सकते हो थर्ड पैराग्राफ के अंदर। सिमिली आपको थ्रू आउट मिल जाएगी, जहाँ जहाँ पर लाइक आ रहा है, इज आ रहा है, ठीक है, पहले पैराग्राफ के अंदर भी है वो। नॉन सेंटेंसेस जिनमें वर्ब नहीं आया, ऐसे पैराग्राफ, ऐसे सेंटेंसेस देखें, ठीक है। 5 मेटाफर, मेटाफर कहते हैं तशबीह को, टोटली एक
माहौल यानी एक एक चीज़ को उसके साथ एलिनेट करते हो, आप तशबीह देते हो, ठीक है। अब मैंने जैसे सिमली जो है उसमें लाइक वगैरह आता है, लाइक वगैरह और एज वगैरह इस्तेमाल ना करें तो मेटाफर होता है। मैंने कहा ना ही इज़ ब्रेव लाइक द लायन, तो सिमली है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ ब्रेव लायन, वो एक बहादुर शेर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़का रूहान है, ये वाकई एक शेर इटसेल्फ है। इससे मुराद ये है कि वो शेर की तरह है, ये मेटाफर, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ कि रूहान इज़ लाइक अ लायन, ये एक सिमिली है, ओके। लिस्ट सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन्स एंड और कॉमास, ऐसी जगह पे देखिए जहाँ पे सेमी कॉलन्स और कॉमास आए हैं उनमें लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उनकी जो आपने एग्जांपल देखनी है वो आसान काम है। यूज़ ऑफ द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है सिंपल, उसकी एग्जांपल कहाँ कहाँ पे वो फाइंड करनी है। ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कराने की जरूरत नहीं है। इनके हिसाब से ना हुआ तो फिर बाद में जूम सेशन के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मैं इस पर दोबारा आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। एक्टिविटी 17.2, नोट हाउ डिकेंस यूज़ अ फोटोग्राफिक पिक्टोरियल टेक्निक टू टेक रीजंस इनटू द कोर्ट ऑफ चांसरी। और फिल्म की ओपनिंग में अक्सर अवकात इस तरह की ओपनिंग यूज़ की जाती है। आप बताएं कि इस इफेक्ट का क्या असर है आप पे? आहिस्ता आहिस्ता इसका इफेक्ट ये है कि थ्रू दिस डिस्क्रिप्टिव ओपनिंग मैनर ऑफ अ सेटिंग ऑफ अ सीन, इमेजेस कम इन टू योर माइंड वन बाय वन एंड यू स्टार्ट टू बिल्ड अप एन इमेजिनरी सेटिंग, एन इमेजिनरी सीन विद इन योर माइंड विद सो मच डिटेल दैट यू एक्चुअली फील दैट यू आर देयर एंड यू कैन एक्चुअली फील द होल एनवायरमेंट ऑफ द सेटिंग एंड द सीन। दैट इज व्हाट दिस स्पेशली दिस पैराग्राफ, दिस पैसेज फ्रॉम ब्लिक हाउस प्रेजेंट्स टू द रीडर्स। एक्टिविटी 17.3, अंडरस्टैंडिंग सिंबल। अच्छा जी, फॉग को कैसे उसने सिंबल एज अ सिंबल यूज़ किया है? नेचर ऑफ लॉ का ऐसे सिंबल यूज़ किया कि नेचर ऑफ लॉ क्या, कुदरत का कानून क्या। कुदरत का कानून जो है ना वो हर जगह प्रिवेल करता है, आप चाहो या ना चाहो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप नेक हो या बदकार हो, कुदरत का कानून हर एक पे अप्लाई होगा बराबर। इस तरह से फॉग की बात की हर जगह, फॉग शिप्स में भी थी, दरिया में भी थी, समुंदर में भी थी, ब्रिज में भी थी, ऊपर बिल्डिंग में भी थी, नीचे भी थी, शिप के अंदर भी थी, अस्पतालों में भी थी, बूढ़े आदमियों के नॉस्टल्स में भी थी, जवान आदमियों के पाइप्स में भी थी, यानी हर जगह, यानी नेचर ऑफ लॉ हर जगह प्रिवेल करता है। तो ये एक सिंबल उसने क्रिएट किया, ठीक है। बहरहाल 17.4 जो है इसमें आपको वोकैबुलरीज दिए हुए हैं, ठीक है, और आपने जो ये वोकैबुलरी इसको आपने खुद देख लेना, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ड्राइड, एल्फेंटाइन, इन्फेक्शन, टेनेशियसली डिफाइल, रैथफुल, हैगर्ड, असॉर्टविल, ये मैंने से बताए हैं। रिटायर्ड जो के मरने वाला हो, ठीक है, यहाँ पर रिटायर्ड से बात क्या वापस हो जाना हो। एल्फेंटाइन बहुत बड़ा, वैसे मतलब होता है एलिफेंट की तरह का। इन्फेक्शन, ठीक है, टेनेशियसली मजबूती से इन्फेक्शन आपको पता है। डिफाइल, ख़राब हो गया, जिसे मिक्सिंग हो गई है, जिसने फॉग के बारे में बात की थी। रैथफुल, गुस्से वाला, यहाँ से मुराद क्या, जोश जज्बे वाला, जवान। हैगर्ड, जिसके हालात बुरे हों, फटे पुराने कपड़े हों। असॉर्ट विद, जुड़ा होना, ठीक है, इस देखना आप इसके फिर भी कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग्स देख लेना। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है, यूनिट नंबर 17 का। इसके बाद हम अगले में जो है अगला पैसेज पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप कर सकते हैं बाद में मेरे से। अल्लाह हाफिज़।